दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। ये 11th कॉमर्स का फर्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का और मैं पार्ट थर्ड इस वक्त आपको समझा रहा हूं। पार्ट वन के लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग लिया, फिर पार्ट टू में हमने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, दैट मीन्स जो बेसिक टर्म्स है अकाउंट में उनको हमने डिफाइन करना समझाया आपको, जिसमें हमने अब तक 9 टर्म्स हमने पार्ट टू में डिस्कस किया हुआ है, जैसे ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, बार्टर ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा था आपको डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट्स, ये हमने टर्म्स हमने ऑलरेडी पार्ट टू में डिस्कस किया हुआ है। अब हम आते हैं आज के पार्ट थर्ड में और आगे बढ़ते उसके आगे हैं, और अगला टर्म हमारा है कैपिटल असेट्स और लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे बहुत ध्यान से समझा जाए। तो व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बिजनेस का, कैपिटल मतलब अगर उसे हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी में उसका अर्थ होता है पूंजी, या मराठी में उसे कहते हैं भांडवल। तो बिजनेसमैन, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस व्हाट एवर बी अमाउंट ब्रिंग बाय बिजनेसमैन और इन्वेस्ट बाय बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस, दैट इज हिज कैपिटल। तो देखिए कैसे, एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है एक बार नहीं होता, टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहता है। व्हाट एवर बी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिज बिजनेस, हिज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन और मीनिंग। तो बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अ पर्सन में इन्वेस्ट कैश और गुड्स और असेट एज कैपिटल इन बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम कैश लेकर आते हैं, बिजनेस में हम गुड्स लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ वस्तुएं लेकर आते हैं और असेट से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लेना मेरा बिजनेस है, बिजनेस में मुझे मेरे बिजनेस को ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, कुछ कंप्यूटर आएगा, तो ये सब क्या है, असेट होती है। तो चाहे मैं बिजनेस में कैश लेकर आऊं, चाहे कोई गुड्स लेकर आऊं, चाहे मैं असेट लेकर आऊं, जब मैं बिजनेस में सब स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में सारी चीजें लेकर आऊंगा तो बिजनेस की क्या कहलाएंगी, कैपिटल कहलाएंगी। एक बात और, बिजनेस का कैपिटल बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, बिजनेसमैन के लिए असेट है वो, लेकिन बिजनेस की जिम्मेदारी होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात साफ साफ बताई है, बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस उसका अलग होता है, बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पूंजी डाली तो बिजनेस, मैंने क्या कहा, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों डिफरेंट है। अगर मैंने बिजनेस में पैसा डाला है तो उस बिजनेस में से मैं पैसा निकाल सकता हूं क्या, नहीं। कब निकालूंगा, अगर मैंने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर बिजनेसमैन ने एक बार बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर दिया वो लाइफ लॉन्ग होता है। अगर वो पैसा कब निकाल सकता है बिजनेसमैन, जब बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं बिजनेस का बंद होना, मतलब बिजनेस का डिसोल्यूशन हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, खत्म हो जाना, तब वो बिजनेस में से अपना पैसा निकाल सकता है या लेके जा सकता है। तो बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। खैर, तो याद रखिएगा इतना कि बिजनेस में बिजनेसमैन के द्वारा किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। साथ ही साथ बिजनेसमैन बिजनेस में क्या क्या लाता है कैपिटल के रूप में, कैश लाता है, गुड्स लाता है, वस्तुएं लाता है, असेट्स लेकर आता है, कोई संपत्ति लेकर आता है, असेट्स मतलब संपत्ति, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, बिजनेस का कैपिटल कहते हैं। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इसका एक फॉर्मूला है, कैपिटल इक्वल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो असेट्स मतलब बिजनेस की जितनी संपत्तियां हैं उसमें से बिजनेस की देनदारियां, लायबिलिटीज मतलब बिजनेस की देनदारियां जिम्मेदारियां माइनस कर दी जाए तो जो बचेगा वो बिजनेस का कैपिटल होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, कैपिटल इक्वल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट मीन्स कैपिटल इक्वल बिजनेस असेट्स माइनस बिजनेस लायबिलिटीज भी कहते हैं इसको है। तो ये याद रखना, हम डिटेल में असेट्स और लायबिलिटीज का भी आगे देखने वाले हैं। तो अगला टर्म हमारा है इंपॉर्टेंट टर्म एकदम, असेट्स। व्हाट इज असेट्स, बिजनेस के अंदर जो भी असेट, जो भी प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस की, बिजनेस ने जो भी प्रॉपर्टीज ग्रहण कर रखी है,
या बिजनेस ने जो भी प्रॉपर्टीज ओल्ड कर रखी हैं वो बिजनेस का क्या होता है, असेट होता है। जैसे देखिए द प्रॉपर्टीज ओल्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस का बिजनेस के ओन में अधिकार में है, बिजनेस पे ग्रहण कर रखी है, ओन कर रखी है, यानी कि ओनरशिप किसका है, उसका बिजनेस का रहेगा। तो जो बिजनेस के ओनरशिप में जितनी प्रॉपर्टीज हैं या बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं आर नोन एज असेट्स। तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है या बिजनेस ने जो भी प्रॉपर्टी ग्रहण कर रखी है उनको हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। असेट्स आर बॉट फॉर यूज इन बिजनेस, हम असेट को खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेस्ड फॉर ऑफिस यूज आर असेट्स ऑफ बिजनेस। अगर हमने कोई फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदा बिजनेस के ऑफिस इस्तेमाल के लिए, ऑफिस में यूज करने के लिए, तो बिजनेस का क्या कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो बिजनेस का असेट्स क्या होता है, जिन जो भी चीजें बिजनेस में आती है बिजनेस इस्तेमाल के लिए, ऑफिस यूज के लिए या बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, वो बिजनेस की असेट्स होती है। इसके नेक्स्ट हमारा लायबिलिटीज, टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज बिजनेस की थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है, जैसे आउटसाइडर्स को बिजनेस में पे करना है। बिजनेस की जिम्मेदारियां क्या है, जो बिजनेस की जिम्मेदारियां बिजनेस वो अमाउंट पे करेगा या पे करने वाला या पे करना बाकी है बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी कि बैंक लोन वापस किया जाए। बैंक का लोन वापस करना किसकी जिम्मेदारी बनेगी, बिजनेस की जिम्मेदारी बनेगी। तो बैंक लोन बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में हमने पार्ट टू में डिस्कस किया, क्रेडिटर कौन होता है, बिजनेस में क्रेडिट पर माल सप्लाई करता है, तो क्रेडिटर इज द सप्लायर। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, उसका पैसा वापस करेगा क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर भी बिजनेस की क्या है, लायबिलिटीज है। तो एक्सेट्रा आर लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो याद रखिए बहुत ही सिंपल, टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, क्रेडिटर एक्सेट्रा आर लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वन हमारा है ड्रॉइंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ड्रॉइंग, देखिए ध्यान से, जब बिजनेसमैन खुद के बिजनेस में से, जैसे मैं बिजनेस का मालिक हूं, मैं बिजनेस का प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक, अगर बिजनेस का खुद प्रोप्राइटर, बिजनेस का खुद ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल में बिजनेस कर रहा हूं तो अपने पर्सनल इस्तेमाल के, मैंने पर्सनल इस्तेमाल के लिए मैंने कैश निकाल लिया बिजनेस में से, मैंने बिजनेस में से कुछ गुड्स निकाल लिया अपने खुद के घर के इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो जो भी अमाउंट मैं बिजनेस में से निकालूंगा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो बिजनेस का होता है ड्रॉइंग। ध्यान दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, विथड्रॉ करना मतलब बिजनेस में से निकाल लेना, बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब खुद बिजनेसमैन के द्वारा, फॉर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए या अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, हाउस होल्ड यूज मतलब होता है घरगुती इस्तेमाल के लिए या घर के इस्तेमाल के लिए, इज नोन एज ड्रॉइंग। तो बहुत ड्रॉइंग जो अकाउंट अकाउंट में या बुक कीपिंग में, इसका मतलब बहुत बहुत साफ है कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लेता है या कोई गुड्स निकाल लेता है अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। हमने क्या बोला, कैपिटल क्या होता है बिजनेस का, जो बिजनेसमैन बिजनेस में जो पूंजी निवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। व्हाट एवर बी अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स और असेट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस इज द असेट, इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो अगर उसी में से बिजनेस में से गुड्स निकाल लिया जाए, उसी बिजनेस में से कैश निकाल लिया जाए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो कैपिटल कम हो जाएगा ना बिजनेस का, तो उसको इसलिए कहते हैं ड्रॉइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। ड्रॉइंग की वजह से बिजनेस का कैपिटल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखना है व्हाट इज ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश और गुड्स विड्रॉन बाय बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट टर्म, बहुत अच्छा टर्म है, गुड्स। गुड्स मतलब वस्तु, हम वस्तु किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए, द आइटम और कमोडिटीज। आइटम मतलब कोई भी एक आर्टिकल, कोई भी एक वस्तु,
या उसे आप कमोडिटीज भी कहते हैं। कमोडिटीज मतलब होता है वस्तु। इन विच ट्रेडर डील्स, भाई कोई भी कोई वस्तु ट्रेडर डील करेगा ना, डील्स करना मतलब एक्सचेंज करना। तो एक व्यापारी वस्तु से ही एक्सचेंज करता है ना, कुछ क्या बेचेगा वो, कोई वस्तु बेचेगा ना, कोई कमोडिटीज बेचेगा ना, तो जिसमें वो डीलिंग करता है वही बिजनेसमैन के लिए गुड्स है, आर नोन एज गुड्स। गुड्स आर बॉट फॉर रीसेल। बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स खरीदता है। बिजनेसमैन भी तो कहीं से गुड्स खरीदता है, और उसके गुड्स को खरीद के लाता है, बिजनेस में रखता है, उसके बाद उसे क्या करता है, रीसेल करता है। तो गुड्स आर बॉट फॉर रीसेल, बॉट मतलब खरीदना, खरीद के लाता है वो, और वो क्या करता है, रीसेल उसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर आर गुड्स फॉर हिम। भाई एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर कहां से लाएगा वो शॉपकीपर, जहां से फर्नीचर बनता होगा, मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, वहां से फर्नीचर खरीद के लेकर आएगा, अपने बिजनेस में रखेगा और क्या करेगा, वो बेचेगा उसे। तो अगर फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर आर गुड्स फॉर हिम, वही उसका गुड्स है। इसी प्रकार जैसे मान लिया हम कंप्यूटर की दुकान में जाए, तो जो कंप्यूटर डीलर होगा वो कंप्यूटर कहीं से खरीद के लाता है फिर बेचता है ना, तो कंप्यूटर उसके लिए गुड्स हो गया। फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स है, कंप्यूटर डीलर के लिए कंप्यूटर गुड्स है, और भी ऐसे कोई बिजनेसमैन है, टेबल चेयर का बिजनेस करता है, वो भी टेबल चेयर भी तो फर्नीचर ही फिलहाल। और भी हम दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पर जाते हैं, वहां से हम बल्ब खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सामान खरीदते हैं, फैन खरीदते हैं, एसी कूलर खरीदते हैं, तो ये जितने भी अप्लायंसेस हैं इन शॉप के पास जाओगे तो ये भी कहीं से खरीद के लाते हैं, तो जितने भी आइटम वो बेच रहे हैं वो उनके लिए गुड्स है बिजनेसमैन के लिए। तो गुड्स अपने आप में बहुत ही सिंपल है कि जो बिजनेसमैन जिस वस्तु को खरीदता है फिर बेचता है वही वस्तु उसके लिए क्या है, गुड्स है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर्सन, दो डेफिनेशन इसमें होगी, ध्यान देना, 15 और 16 दोनों में इसमें बताऊंगा मैं। सॉल्वेंट पर्सन एंड इनसॉल्वेंट पर्सन, याद रखिए बिजनेस में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट पर्सन, दूसरा होता है इनसॉल्वेंट पर्सन। हम सॉल्वेंट पर्सन किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जो अपनी बिजनेस की जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ हो, या वह व्यक्ति जो अपनी बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा करने में समर्थ हो वो सॉल्वेंट पर्सन होता है, या वह व्यक्ति जिसकी असेट, उसकी संपत्ति, उसकी जिम्मेदारियों, उसकी देनदारियों के बराबर हो या उससे ज्यादा हो असेट उसकी, तो व्यक्ति सॉल्वेंट होगा। तो वेरी सिंपल, अ पर्सन हु इज एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। हम उसी व्यक्ति को सॉल्वेंट कहेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकने में समर्थ है। जैसे देखिए, द पर्सन हु इज एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज, वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकने में समर्थ है। लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां, इज नोन एज सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। या द पर्सन हुज असेट्स आर मोर आर इक्वल टू हिज लायबिलिटीज, या तो वह व्यक्ति जिसकी असेट ज्यादा है या इक्वल है किसके, उसकी जिम्मेदारियों की। असेट या तो जिम्मेदारी से ज्यादा होगी, भाई मेरे पास 10 लाख रुपए की असेट है और मेरी जिम्मेदारी 2 लाख रुपए की खाली देनदारी, तो मेरे पास असेट ज्यादा हुई ना 8 लाख की, 10 लाख में से मैं अपनी जिम्मेदारी 2 लाख की आराम से पूरा कर सकता हूं, तो जो 8 लाख बचेगा वो मेरा सरप्लस होगा, उसे मैं क्या कहूंगा, असेट कहूंगा। तो ध्यान दीजिए, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन, मतलब वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकने में समर्थ है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, या वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति ज्यादा है उसकी जिम्मेदारियों से, या उसकी जिम्मेदारी के बराबर उसकी संपत्ति है उसकी असेट है, असेट आर इक्वल टू लायबिलिटीज, तो भी क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, या उसकी असेट उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा होगी। जैसे कि ध्यान देना, अगर असेट असेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है तो वह व्यक्ति क्या है, सॉल्वेंट पर्सन है, मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकने में समर्थ है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पर्सन। इसी में देखा जाए, मैं 16 ले रहा हूं, इनसॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का एक बार जरा ध्यान से देख लेना, सॉल्वेंट लिख लो अच्छी तरह से, तो मैं क्या कहूंगा इसके बाद इसमें, इनसॉल्वेंट पर्सन या इनसॉल्वेंट कौन है। अब इसी में देखो ध्यान से, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू, हु इज नॉट एबल टू, नॉट एबल टू, ध्यान देना मैंने क्या लगा दिया, नॉट एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज इज नोन एज इनसॉल्वेंट पर्सन।
या इंसॉल्वेंट, और द पर्सन हुज असेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन. सिंपल इतना. वह व्यक्ति हु इज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज, वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकने में समर्थ नहीं है. लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पे कर पाने में समर्थ नहीं है, इज नोन एज इंसॉल्वेंट. भाई मेरे बिजनेस की देनदारी है, मेरे पर कर्ज है, मैं उन कर्ज को उन देनदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इंसॉल्वेंट हूं. ध्यान दीजिए. और द पर्सन हुज असेट आर लेस देन हिज लायबिलिटीज, वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति क्या होगी, कम होगी. असेट्स देखिए, पहले क्या था, असेट ज्यादा थी तो वह सॉल्वेंट था. अब अगर असेट से उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, बिजनेस की जिम्मेदारियां आउटसाइड की जिम्मेदारियां मान लिया 3 लाख रुपए की है और बिजनेस मैन के पास कितना पड़ा है सर, सिर्फ 2 लाख पड़ा है असेट के रूप में, तो क्या हुआ, ये लायबिलिटीज 1 लाख की ज्यादा है तो 1 लाख रुपए कहां से भर पाएगा वो, उसके पास है 2 लाख, उसे भरना है 3 लाख, कैसे भरेगा वो इंसॉल्वेंट हो गया. तो वही है, द पर्सन हुज असेट आर लेस देन हिज लायबिलिटीज इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन. तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी थी. अभी हम और दूसरी डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, जब तक आप लोग उसे नोट डाउन करो. नाउ नेक्स्ट वन, बिजनेस. हमारा 17 टर्म है बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस किसे कहेंगे भाई. अभी भी किसी ने बोला सर बिजनेस के बारे में जरा बता दीजिए, बोला ठीक है बिजनेस का ले लेते हैं. तो बहुत सिंपल है, एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज. बिजनेस किसे कहेंगे हम, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस किसे कहेंगे हम. तो कोई भी औद्योगिक या व्यापारिक, कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब क्या, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, हम गतिविधियां चलाते हैं, गतिविधियां, हम कोई भी गतिविधियां चला रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक हो, सॉरी इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक व्यापारिक, या इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, औद्योगिक हम औद्योगिक गतिविधि चलाते हैं, चाहे हम कमर्शियल व्यापारिक गतिविधि चलाते हैं, व्यापारिक भी बोल सकते हैं औद्योगिक मतलब. तो हम जब कोई औद्योगिक या कोई व्यापारिक गतिविधि चलाते हैं तो एनी इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, कमर्शियल मतलब व्यापारिक, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, अंडरटेकन, अंडरटेकन मतलब यहां पर चलाई जाती है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. किस व्यू के साथ, किस ध्येय के साथ, किस उद्देश्य के साथ, टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस या इज टर्म एज बिजनेस. तो बिजनेस किसे कहेंगे, जब कोई औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधि चलाई जाती है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं. तो बहुत सिंपल है ये. नेक्स्ट वन, इनकम. इनकम किसे कहेंगे, किसकी इनकम, बिजनेस की इनकम. तो एन अमाउंट रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. बिजनेस जब कोई सर्विसेज देता है, बिजनेस सेवाएं देता है ना, जैसे मान लिया जाए मैं आपको कोचिंग कर रहा हूं, मेरा बिजनेस क्या हुआ, कोचिंग करने का हुआ. तो मैंने कोचिंग देने के बदले में, जो मैंने सर्विसेज देने के बदले में जो मैं पैसे लूंगा आपसे, जो आपसे पैसे मेरे पास आएंगे, वो मेरी क्या है, इनकम है, मेरे बिजनेस की क्या है, इनकम है. तो वही कह रहा है, एन अमाउंट रिसीव्ड इन रिटर्न, जब हम कोई धन प्राप्त करते हैं, अमाउंट प्राप्त करते हैं इन रिटर्न के बदले में, किसके बदले में, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. हम जो सेवाएं देते हैं, सेवाएं प्रदान करने के बदले में, सर्विसेज रेंडर्ड करना मतलब सेवाएं प्रदान करना. तो सेवाएं प्रदान करने के बदले में जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं, हम मतलब बिजनेस इज टर्म्ड एज इनकम. यानी कि जो भी बिजनेस सेवाएं देने के बदले में जो इनकम रिसीव करता है या धन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं बिजनेस की. जैसे एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड. बिजनेस ने अपना कुछ प्रमाइसेस या कुछ और चीजें या रेंट पे दे रखी है, बिजनेस को जो रेंटल इनकम होगी वो बिजनेस की इनकम है. कमीशन रिसीव्ड. बिजनेस ने कुछ सेवाएं दी किसी को, उसके बदले में बिजनेस को कमीशन मिला, तो बिजनेस की क्या है, इनकम है. तो ये बिजनेस की इनकम होती है, ध्यान रखिए. इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, खर्च. इनकम मतलब आय, आमदनी. एक्सपेंसेस मतलब खर्च, खर्चा, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस. तो खर्च किसे कहेंगे, बिजनेस का खर्च क्या है, एक्सपेंसेस क्या है. एन अमाउंट पेड इन रिटर्न. देख रहा है यहां पर रिसीव्ड किया था अमाउंट, यहां पे पेड कर रहा है बिजनेस अमाउंट. इन रिटर्न फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, यहां पे बिजनेस फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, बिजनेस सर्विसेज प्राप्त करने के बदले में जो अमाउंट पे करता है
उसे हम क्या कहते हैं बिजनेस का एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सैलरी पे, बिजनेस सैलरी किसको पे करेगा, जो वहां पे वर्कर्स काम करेंगे, जो सॉरी जो भी वहां पे ऑफिस में लोग काम करेंगे उसे बिजनेस क्या देगा, सैलरी देगा। तो सैलरी बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। क्यों? क्योंकि सैलरी पेड करेगा तो बिजनेस सेवा ले रहा है ना किसकी, ऑफिस में काम करने वालों की क्या ले रहा है, बिजनेस सेवा ले रहा है। सेवाएं लेने के बदले में बिजनेस उनको सैलरी दे रहा है। वैसे फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करेंगे तो वर्कर्स बिजनेस को सेवा दे रहा है कि नहीं अपनी, तो बिजनेस को सेवा वर्कर्स दे रहा है, सेवाएं बिजनेस ले रहा है उसे, तो बदले में जो बिजनेस उनको पे करेगा वो बिजनेस का क्या है, खर्चा है। तो वेजेस पे करना मतलब वेतन देना, ये बिजनेस का खर्चा है। याद रखो सैलरीज ऑफिस में काम करने वालों को दी जाती है और वेजेस फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को दी जाती है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से आज हमने 19 टर्म्स तक देखा, और भी पार्ट फोर की वीडियो में आएंगे और हम कम से कम 10-12 टर्म्स उसमें और डिस्कस करने वाले हैं, तब जाकर ये टॉपिक पूरा होगा। तब तक आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहें, समझते रहें, देखते रहें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। धन्यवाद, खुश रहें।